आज दिल्ली में जिस तरह से मोदी सरकार तानाशाही कर रही है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ मार्च ये दिल्ली में निकाला जा रहा है। जब से मोदी सरकार लगातार तानाशाही पे उतर आई है, जब से मोदी सरकार से अडानी मसले को लेकर सवाल किया जा रहा है, मोदी सरकार उन सवालों से भागती हुई नजर आ रही है, उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है और मोदी सरकार से अपने सवालों के जवाब चाहता है, लेकिन अडानी मसले पर मोदी सरकार किसी भी प्रकार के जवाब देने से बचती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया गया उसको लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी है, क्योंकि राहुल गांधी जी लगातार संसद में जो है अडानी मसले को लेकर सरकार से सवाल कर रहे थे, लेकिन सरकार उनके सवालों से डर गई और इस कदर डर गई कि उनकी संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया है। देख सकते हैं कांग्रेस के नेता यहां पर उदित राज जी हैं, तमाम मीडिया के साथी आपको नजर आएंगे और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से तमाम संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उनको यहां पर तैनात किया गया है ताकि ये जो प्रदर्शन चल रहा है इस प्रदर्शन को कैसे भी करके रोका जाए। तस्वीर दिखाऊंगा, ये प्रदर्शन दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड दिल्ली में किया जा रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन को रोकने की पूरी कोशिश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस के तमाम अधिकारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं लगातार जो है जो अडानी का मसला है उसको लेकर सवाल सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है सवालों के जवाब से जो है भागती हुई नजर आ रही है। तख्तियों को हम आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, तमाम इस तरह के पोस्टर लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्च को निकाला जा रहा है, मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, देख सकते हैं हाथों में पोस्टर है, तमाम लोग यहां पर आए हुए हैं। लेकिन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं आपके यहां पर ये गेट है, इस गेट से किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है, जबकि करीब 1 किलोमीटर तक इस मार्च को शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाना था, लेकिन जो भी दिल्ली पुलिस के आपको सीआरपीएफ के जो आर्मी के जवान दिखाई देंगे इन्होंने किसी भी प्रकार की परमिशन इस पर जो है प्रदर्शन को लेकर नहीं दी और जो है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं। कोशिश है कि सरकार से सवालों की जो है जवाब दिए जाइए। बताइए कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। प्रदर्शन नहीं करने, ये देखो आप, ये सब पुलिस वालों को अंदर खड़ा कर दिया गया है, इनको बाहर खड़ा करना चाहिए। सबसे परमिशन लिए, लेकिन हमने यहाँ पर आके सब मुकर गए। ये रैली, ये प्रोटेस्ट, क्या लगता है क्यों डर रही है सरकार, फोर्स को आगे किया जा रहा है? साफ हारी सब जानते हैं पुलिस और कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे आप लोग सड़कों पर, राहुल गांधी के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। हमारा नेता तो देख सकते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया गया उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपको देख के रोष भी नजर आएगा और तमाम लोग यहां पर आए हुए हैं और एक ही स्वर में एक आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताइए आप लोग जिस तरह से सड़कों पर आए हैं, लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, क्या लगता है सरकार क्यों इतनी बौखला गई है? देखिए आप जानते हैं किस प्रकार से संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा, राहुल जी की जिस प्रकार से सदस्यता खत्म की गई है, विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा। पहली बार इस देश में हो रहा है कि सरकार जो है वो संसद नहीं चलने दे रही, न संसद में बोलने दिया जा रहा, न सड़क में बोलने दिया जा रहा। ये जनतंत्र और लोकतंत्र को खत्म करने की जो कोशिश है सरकार की, निश्चित रूप से यह देश देख रहा है और इस प्रकार से जो देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको भी लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाना चाहती है और जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाह रही है। लेकिन सरकार की इस प्रकार की तानाशाही है कि या तो सरकार संसद में हमें अपनी बात रखने दे रही है, न ही सड़क पे जनता के बीच में अपनी बात। क्या कहेंगे आप, पोस्टर लेकर आए हैं मोदी अडानी भाई भाई देश बेच कर खाई मलाई, क्या लगता है कि मोदी जी क्यों जवाब देने से भागते हुए नजर आ रहे हैं? गरीब आदमी की जो आवाज है
राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं संसद के अंदर उन्होंने अडानी पे ही तो क्वेश्चन किया है, आप बताइए अडानी अंबानी पे बात कर रहे हैं, के लिए भले के लिए बात कर रहे हैं। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के लिए सोचती है और राहुल जी हमेशा गरीब के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़ी है कांग्रेस, आज उसी पे हम लोग राहुल जी के साथ हैं, पूरा समर्थन है। बैकवर्ड क्लास दलित समाज पूरा आज यहाँ तादाद में लोग हैं, थोड़ा तेज बोलिएगा, तैयार बैठे हैं और हम डरने वाले नहीं है मोदी जी की पुलिस से। आज हमारे नेता हमारे उदित राज जी, डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर अम्बेडकर भवन से और जंतर मंतर हमने शांति मार्च निकाला था। आप बताइए, शांति पूर्वक मार्च निकाल रहे हैं आप लोग, फिर भी पुलिस रोक रही है? पुलिस इसलिए रुक रही है क्योंकि जो अंडानी की जो सेल कंपनियां हैं उसमें 20,000 करोड़ की जो रकमें डाली गई हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के ही पैसा है, इसलिए इस मुद्दे को दबाने के लिए आज राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी जाती है और सड़क पर प्रदर्शन करने पर उनके कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। एक तरफ जहां लोग सदन में माइक को म्यूट कर दिया जाता है, वहीं तरफ सरकारी तंत्र द्वारा दिल्ली पुलिस द्वारा सरकार के इशारे पे आवाजों को दफनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं पूरी जो 20,000 करोड़ का मुद्दा है जो राहुल गांधी जी ने उठाया था वो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही पैसा है और ये बीजेपी नहीं चाहती है क्योंकि जांच जब जेपीसी इस पर गठित होगा तो बीजेपी की सच्चाई उजागर होकर आएगी, तो बीजेपी पूरी तरह से डरी और छमी हुई है, यही वजह है कि हाँ तो देखिए किस तरह जेपीसी का है। हाँ बोलिए बोलिए, तो देखिए लगातार जेपीसी मांग को लेकर तो आज देश के अंदर जिस तरह से तनाव सब आइए पानी मंत्री मंगा दिया है, पानी दे रहे हैं आप सब लोग, आप ही आइए। तंत्र का दफन और दमन किया जा रहा है आज भाजपा ही नहीं, भाजपा में जिस तरह से राहुल गांधी जी पर ये आरोप जिंदाबाद जिन्होंने केस किया है, जिंदाबाद स्टेटमेंट दिया है वो भी सीखा नहीं है, लेकिन सरकार के मुद्दे को ओबीसी पर लाकर अटकाना चाहती है, जाती है आधार पे देश को बांटना चाहती है, ये करती है कभी धर्म के नाम पे कभी जाति के नाम पे समाज को तोड़ने का काम भाजपा कर रही है। क्या लगता है राहुल जी से इतनी डर गई भाजपा की उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया और अब आप लोग जब सड़कों पर उतर रहे हैं तो आम जन मतलब तार तार करने पे लगे हुए हैं। हाँ। ये मोदी सरकार नहीं चाहती कि हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, थोड़ा तेज बोलिए, हमारे जो राहुल गांधी जी हैं हाँ। वो संसद में जो उनका चल रहा था भाषण चल रहा था, जैसे उन्होंने पीछे बात किया था 7 दिसंबर को, 7 फरवरी को सॉरी, वो दोबारा से बोल पाए हैं। वो अडानी का जो मेन ये जो भी चल रहा है ना अभी अडानी वाला जो मुद्दा है उससे भटकाने का जो है ना एक साजिश है ये, कि अडानी वाला मुद्दा गॉन हो जाए, राहुल जी का जो सदस्यता रद्द हुआ है वो मुद्दा अप हो जाए। वो देश को केवल जातिगत आधार पे बांटना चाहते हैं, ओबीसी तो ये दलित तो महादलित, इस सबसे देश का भला होने वाला नहीं है। मोदी सरकार को सोचना पड़ेगा कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और ये अडानी जैसे लोग जो है ना, अडानी जैसे जो 5-10 लोग है वो अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। देश कहाँ जा रहे हैं, देश को आप कहाँ लेके जाना चाह रहे हो? मोदी जी आप एक बार सोच के देखो, ये आपका सपने का सपनों वाला देश है क्या? ये तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री थे ना, ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। राहुल गांधी जी ने नारा दिया था ये जुमलों की सरकार है, अब ये साबित कर रहे हैं कि जुमलों की सरकार है, इनके पास जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। ये देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये अदानी के लिए अंबानी के लिए काम करने वाली सरकार है। यही बात तो मोदी जी को बुरी लग जाती है ना? नहीं, मोदी जी को बुरा लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देश के लिए क्या अच्छा है ये आम पब्लिक को सोचने वाला बात है। आम पब्लिक क्या देखता है, डिक्टेटरशिप नहीं चलना चाहिए, किसी का नहीं चला है। देखिए हिटलर का डिक्टेटरशिप भी चला, ये मोदी जी क्या है? लेकिन वो तो तानाशाही पे उतर आए, देखिए आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे हैं फिर भी इतनी भारी संख्या में यहाँ पे फोर्स लगा दी गई, तमाम दिल्ली पुलिस के जवान मार्च को कैंसिल कर दिया, सरकार क्या होती है ना तो वो डिक्टेटरशिप करना लगता है। गेट खोल दिया लेकिन उन्होंने गेट बंद कर दिया था, ये पुलिस वाले यहाँ पे क्यों खड़े हैं हमें समझ नहीं आ रहा। हम इनसे बस ये रिक्वेस्ट करें कि हमने अपना मार्च कैंसिल कर दिया, आप लोग गेट से बाहर जाइए, हम लोगों को अपना शांतिपूर्ण यहाँ पे कम से कम आपस में बातचीत करने दीजिए, हम कैंपस के अंदर हम लोग अपना एक मीटिंग करना चाहते हैं, मीटिंग करने दीजिए। ये डराने के लिए कर रहे हैं, ये मोदी जी ने ये हम लोगों को डराना चाहती है मोदी सरकार।
तो डरने वाले नहीं है। अरे तो राहुल गांधी जी के साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे। तो जवाब देना चाहिए ना मोदी जी को उन सवालों पे। जवाब आज तक उन्होंने जवाब दिया है। मन की बात करते हैं केवल। हाँ वो पब्लिक की बात नहीं करते। हाँ वो केवल अपने मन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी किया आज तक मोदी जी कांग्रेस में? लेकिन वो कहते दुनिया का कौन सा प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेस? क्या कह रहे हैं? आज दुनिया में जितना बड़ा कोविड आया आपने देखा, इंग्लैंड अमेरिका सबके लोग जो है हेड ऑफ द स्टेट आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना। हाँ। इन्होंने आज तक 9 बरस से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कितने बार लोगों ने बोला। हाँ। मीडिया पूरी कर ली, मीडिया पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। मीडिया के बारे में बात करें बस, सिर्फ किसी व्यक्ति का नाम नहीं। जो आप कह रहे ना आवाज, हाँ आवाज किसके थ्रू जाएगी? हाँ रमेश जी, फिर नाम एक व्यक्ति का नाम नहीं। हाँ इंडिया टीवी भी खरीद ली, एक जो था वो भी सारे गोदी मीडिया बन गए। ईडी आपकी, मीडिया सब कुछ आपका। अब आप क्या करोगे? कल भी आप, कल भी आपके नेताओं के साथ बदसलूकी हुई, उनको घसीटा गया, बसों में ले जाया गया। बस हम बोलते रहेंगे, अब ये गुंडागर्दी तो नहीं की, झंडा इनके पास, पुलिस इनके पास, बंदूक इनके पास, ये मार देंगे, जेल ले जाएंगे, हम क्या करेंगे? हम बस यही कर सकते हैं, हमारे घर के अंदर घुस के कर रहे हैं। घर में घुसे नहीं घुसे? आप देखिए घर में घुसे नहीं घुसे? देखिए दिखाइए घर में घुसे हुए नहीं घुसे हुए? बाहर तो नहीं खड़े हुए, घर के अंदर घुसे हुए ना? क्यों क्यों घुसे हुए घर के अंदर बताइए? क्यों क्यों घुसे घर के अंदर? डर गई सरकार क्या? बस डर गई। हाँ। ऐसे जल जल के हमें जरा जरा के कितना जराओगे? हाँ। जितना रबड़ को खींचोगे कभी तो टूटेगी। हाँ। ग्रह युद्ध की तरफ लेके जा रहे हैं भाई ये। हाँ। अब आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। इनका बस एक है, हिंदू मुस्लिम वाला बात करो। हाँ। लोगों को बांटो, काम धाम से जो है ना नजर लोगों का हटा दो, लोग विकास का जो बात ना करे, लोग गरीबी की बात ना करे, लोग जो ना लोग शिक्षा का बात ना करे, लोग रोजगार का बात ना करे, सिंचाई का बात ना करे। इनको केवल हिंदू मुस्लिम चाहिए, ये मुद्दे को भटका करके ये मुद्दा को भटकाना चाहिए। इनके पास विकास के मुद्दे इतनी फुर्ती दिखा दी कि अब राहुल जी को बंगला खाली करने के लिए नोटिस भी दे दिया। काम ही नहीं है क्या लगता है ऐसा क्या है अडानी में कि उसको बचाने के लिए मोदी जी ने राहुल जी को बाहर कर दिया? हमने जब किसी का मांग किया है, क्यों नहीं मान रहे जब किसी का मांग पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगा, इनको क्या आपत्ति किया है? उससे पोल खुल जाएगी ना भाई, वो पोल खुलवाना नहीं चाहते ना। खुलेगी तो मोदी सरकार पर बात आएगी। हाँ ये मोदी सरकार, यही तो समस्या है कि सरकार अपनी कमियों को छुपा रही है, जो घोटाले किए हैं उसको छुपा रही है। अगर कोई सवाल करेगा तो उसको जेल में डाल रहे हैं, उसकी सदस्यता रद्द कर देंगे। सारे जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं आज के डेट में सबको हाशिए पर डाल दिया गया। हाँ। सबको केवल मोदी सरकार अपना गवर्नमेंट को बचाने के लिए अपना 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 सत्ता को जो है ना और 2024 में लाने के लिए यूज कर, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आप देखिए ना पुलिस हो, ये देखिए क्या है, ये क्या है, इन सबको सारे काम हम छुड़वा के करवाने के लिए, डराने के लिए भेज दिया है। ये सारे लोकतांत्रिक संस्था को ये यूज कर रहे हैं अपने फेवर में मोदी सरकार। ये पूरे देश को, पूरे देश को बर्बादी की कगार पे लेके गए हैं। इनको विकास से मतलब नहीं है, इनको रोजगार से मतलब नहीं है। ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये मोदी अदानी भाई भाई देश देश के खिलाफ खाई मलाई वाली बात है। हम असंगठित कर्मचारी कांग्रेस जो है, जेकेसी जो है, हम लोगों ने पीछे भी जंतर मंतर पे जेपीसी के खिलाफ, जेपीसी लाने के लिए हमने, जेपीसी को लाने के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। आज भी हम लोग शांति मार्च निकालना चाह रहे थे। हाँ। हमारे शांति मार्च को उन्होंने बोल दिया कि धारा 144 लगा हुआ है, आप नहीं निकाल सकते। क्या लगता है जनता अपने मुद्दे उठाती है तो भी धारा 144 लगा देते हैं? शांति मार्च में क्या धारा 144 भाई साहब, हम लोग जा रहे थे, हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन ना करें। हाँ। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है क्या? वही तो सवाल है ना, तभी तो कहा जा रहा है तानाशाही है कि नहीं है। हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं भाई, तुम्हारे फैसलों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए क्या? लोकतंत्र का, लोकतंत्र में क्या विपक्ष का कोई रोल नहीं होता क्या? तुमने यही पढ़ाई किया
हुआ है भाई, ये लोकतंत्र में विपक्ष का कोई रोल नहीं है। हम लोग अपना आवाज में उठे, हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा कि भाई हम लोग विरोध प्रदर्शन करें, शांति मार्च नहीं कर सकते। और हम शांति मार्च को भी हमने बंद कर दिया, हम शांति मार्च नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करना चाहते थे अंदर में, ये देखिए पुलिस वाले डराने के लिए हमें खड़े हैं, ठीक है। तो देखिए तमाम पुलिस कर्मी जो हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी आवाज उठा रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से एक जो है मार्च निकाला जाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस या फिर जो सीआरपीएफ के जवान, आपको आर्मी के जवान दिखाई देंगे, उनके द्वारा इस प्रदर्शन को रोकने की पूरी कोशिश की गई। अब इधर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार को लेकर नाराजगी जता रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन से भी मोदी सरकार इस कदर डर गई है कि इस प्रदर्शन को भी रोकने की पूरी कोशिश जो है की जा रही है। तमाम संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और प्रदर्शन करने से जो है हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को यहाँ पर रोका जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से सदन में अडानी मामले को लेकर जीपीसी की जांच की मांग की जा रही है, सरकार आखिर जीपीसी जांच से क्यों भागती हुई नजर आ रही है, आखिर अडानी मसले को लेकर मोदी सरकार किसी भी प्रकार का जवाब क्यों नहीं दे रही है, आखिर इस तरीके से राहुल जी की सदस्यता को रद्द किया गया उस पर सरकार क्यों नहीं कोई जवाब दे रही है। और इसके साथ ही जिस तरह से देश में जो हालात है, चाहे महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, अगर उसको लेकर भी जनता सवाल खड़ी कर रही है तो जनता के सवालों का कोई भी जवाब सरकार नहीं दे रही है। लिहाजा अब कांग्रेस जो है लगातार सड़कों पर उतर रही है, जनता के मुद्दों को उठा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। निष्कासन तक के विरोध में सत्याग्रह कर रहे हैं और पूरा पूरी विपक्ष की सभी पार्टियां राहुल जी के साथ खड़ी है। देश इस अन्याय को देख रहा है कि मोदी और उसकी। ये बताइए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस इतना डर गई कि इसको भी रोकने की साजिश कर रही है। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता डटा हुआ है,
कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि जब तक सरकार जो दिल्ली पुलिस है वो हमें बाहर निकलकर मार्च नहीं करने देगी तब तक हम इस तरीके से जो है बैठेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा की तस्वीर देखिए मैं आपको दिखाऊंगा और लगातार जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात पर डटा हुआ है कि जब तक हमको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी तब हम लोगों को परमिशन नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग ऐसे ही जो है यहाँ पर बैठे रहेंगे। क्योंकि पहले तो पुलिस परमिशन देती है बाद में परमिशन को रद्द कर दिया जाता है। जिस तरीके से तानाशाही की तस्वीरें जो है सामने आती है उससे साफ हो जाता है कि सरकार कितनी इस पूरे मामले से डरी हुई है और कितनी परेशान है सरकार। तमाम महिलाएं भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कड़ाके की धूप में बैठी हुई हैं, लगातार जो है जनता के मुद्दों की आवाज उठा रही हैं, लेकिन सरकार इन आवाजों से डर रही है। और ये वजह है कि सरकार ना तो मोदी जी को लेकर अडानी जी को लेकर कोई जवाब देना चाह रही है और ना ही किसी दूसरे मसले पर जवाब देना चाह रही है, ना तो जेपीसी की जांच की जो मांग की जा रही है उस पर कोई जवाब देना चाह रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इन सभी मामलों पर चुप्पी साधे हुए है और लोगों का यही कहना है कि सरकार और अडानी जी के बीच में कोई साठगांठ जरूर है। यही वजह है कि मोदी जी अडानी जी को लेकर कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे। तमाम लोग आप यहां पर देखेंगे काले कपड़े पहनकर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो आया हुआ है, अपने मुद्दों को उठा रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रदर्शन की जो है डिमांड कर रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस इतनी डर गई है कि इस प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। ये लोग अब यहीं पर बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर कि जब तक जेपीसी की जांच के लिए कोई कमेटी गठित नहीं की जाती है, जब तक राहुल जी की सदस्यता को बहाल नहीं किया जाता है, तब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसी तरीके से सड़कों पर रहेगा, सड़कों पर डटा रहेगा और अपने जो है अपने जो मांग है उसको यहाँ पर उठाता रहेगा। देख सकते हैं तस्वीरों में उदित राज जी जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो कर्मचारी कामगार कांग्रेस है उसके राष्ट्रीय चेयरमैन भी हैं उदित राज जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। साथ में मत रही ये सत्याग्रह अपने बगल तक चलाएंगे। 12 बज के आए 12:30 बज तो देख सकते हैं तस्वीरों में इस कड़ाके की धूप में भी कांग्रेस का कार्यकर्ता डटा हुआ है और सरकार से जो है सवाल लगातार कर रहा है कि कब सरकार जेपीसी की जो है एक कमेटी बनाएगी, जेपीसी का गठन करेगी। और अडानी जी को जिस तरह से LIC का पैसा दिया गया, देश के जनता का पैसा दिया गया, जिस तरह से SBI